मैनपुरी के थाना घिरौर क्षेत्र के ग्राम गडारा में प्रेमी युगल जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बता दें, मृतक के चाचा केदार सिंह ने बताया उनका भतीजा विकेश यादव पुत्र हाकिम सिंह उम्र 20 वर्ष कल 26 सितंबर को अलीगढ़ से आया था। शाम को खाना खाने के बाद अपने पुराने मकान पर सो गया। रात में गाँव की विकेश की प्रेमिका बनारसी कुमारी उम्र 22 वर्ष पुत्री सर्वेश्वर महात्मा उनकी आवाज़ पर आई। अपने प्रेमी से मिलने के बाद साथ जीने वाले कसम खाने लगी, जबकि प्रेमी के उस घर में कोई नहीं रहता, उसके परिवार वाले नए मकान में रहते हैं। सब बातें पास के लोग जान चुके थे, तभी लड़की के परिजनों को सूचना दी। ये बात प्रेमी जोड़े ने जान ली थी कि अब सभी लोग जान चुके हैं। तभी प्रेमी जोड़े ने शर्म की बजाय दोनों ने प्रेमिका के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों शवों को फंदे से उतारने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरवाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर क्या कहा मृतक के चाचा केदार सिंह ने, आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। दादा क्या नाम आपका? केदार सिंह सन ऑफ कनौजी लाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ारा थाना घिरौर। आज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस पे हैं, क्या घटना हुई है? मतलब बच्चे ने फांसी लगाई है। कितनी उम्र थी बच्चे की? 20 साल। और उसके साथ किसी और ने लगाई? साथ लड़की है। लड़की के क्या नाम है? 22 साल। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम वो है बनारसी लाल। पापा का नाम? उनके पापा का नाम सर्वेश उर्फ महात्मा। और लड़के के पापा का नाम? लड़के का पापा का नाम श्री हकीम सिंह। तो ऐसा कोई विवाद हो गया था या प्रेम प्रसंग के चलते लगा लिया? नहीं, वो प्रेम से ही लगाई उन्होंने। नहीं, तो जब घर में जब फांसी लगाई तो उस समय लड़के के परिजन कहाँ थे? उस घर में कोई रहता नहीं है। अच्छा, लड़का अकेला लेटता होगा? तो नहीं, लड़का भी नहीं लेटता है। लड़का कल अलीगढ़ से आया है और जो हमारे भाई और भाभी हैं वो नएवारे मकान पे लेटते हैं, क्योंकि भाई की तबीयत ख़राब है तो इसलिए वो वहाँ लेटती हैं। तो आप लड़के कौन लगते हैं? हम चाचा हैं। धन्यवाद।